अगली खबर हनुमानगढ़ के टिब्बी से है, जहां ग्राम पंचायत मल्लड़खेड़ा में मनरेगा में हुई धांधली की जांच की मांग उठ रही है। वहीं इसको लेकर रहवासियों ने जिला परिषद के कार्यकारी अधिकारी को आवेदन सौंपा है। गांव वालों के मुताबिक मनरेगा के तहत गांव में सफाई का काम किया जा रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और पूरा मामला लड़ाई झगड़े से जुड़े पुलिस केस में उलझ कर रह गया, जिसके बाद रहवासियों जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी से जांच करने और दोषी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। क्या मामला बताइए जी? ये मामला मल्लड़खेड़ा ग्राम पंचायत मल्लड़खेड़ा जी, इसमें बिना 13-8 को मैं वहाँ पे गया था तो मेरे गाँव में मेट है जी, इसमें 6 हफ्ते से नरेगा को बिठाया हुआ है जी, और 1 बीघा खाला बना हुआ है। इसकी जांच मैंने जिला परिषद में सीओ साहब को और डीएम साहब को भी दी नरेगा के, और नरेगा पे डीएम साहब मौके पर आए थे जी, और वहाँ पर मीडिया कर्मी भी थे जी, तो हमने वहाँ पर नरेगा की शिकायत की। ड्रेन साहब ने आके मौका देखा, वहाँ पे काम नहीं किया हुआ था जी। उसके अगले दिन नरेगा में कुछ 2-4 ग्रामीणों ने आके और नरेगा को भड़काया और बोले कि आप इसके ये अपने खिलाफ बोल रहे हैं, अंडवासी अपने खिलाफ मैं बोले इसके इसके ऊपर मुकदमा दर्ज करो, और उन्होंने 2-3 लेडीजों को ले जाके और मेरे ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है जी, और मैं इस सही जाँच करवाना चाहता हूँ। नरेगा की सही जाँच होनी चाहिए जी, नरेगा बिल्कुल काम नहीं करती है जी, और उनके खिलाफ अगर कोई मेरे जैसा बोलने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ वो मुकदमा करवाते हैं जी। तो आप सर, अब मैं सीओ साहब से मिला उनकी, उन्होंने बोला है कि नरेगा करेगी पूरी जांच होगी, और वो बोले हैं जांच सही जांच करवा देंगे।